मेहदीपट्टनम की रहने वाली सारा बेगम नामी खातून का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से ये बहुत परेशान है और इनके शौहर का कारोबार भी सही नहीं चल रहा है। इन्होंने अहले घर भाइयों से गुजारिश की है कि वो इनकी मदद करें क्योंकि इनको इनके बच्चों को भी पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सारा बेगम है, मैं मेहदीपट्टनम पे रहती हूँ। और क्या बोलते सो मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें लेके रहन दालिसों हूँ मैं, मेरे बहनों के और मेरे रिश्तेदारों के, तो वो डूबने पे आ गए लॉकडाउन के। जब से हम लोग बहुत परेशान हैं, वो चीज़ें छुड़ाना है मेरे को। और क्या बोलते सो लाइट की बिल बढ़ गई थी मेरी 3 महीने की, वो बनने का है मेरे को। और क्या बोलते सो घर में बहुत ज़रा परेशानी हो रही, हाथ बहुत टाइट चल रहा हम लोगों का। अगर आप हजरत कोई भी मेरी मदद करे तो मेहरबानी होती। मैं असद साहब के पास फ़ोन करी थी, वहाँ पर भी मेरी हेल्प नहीं हुई। वहाँ दारुसलाम पे भी गई थी तो वहाँ पर भी हेल्प नहीं हुई। अमजदुल्ला साहब के पास भी गई थी, वहाँ पर भी फिर के आई तो वहाँ पर भी नहीं हुआ मेरा कुछ भी। ज़रा आप लोग मेरी मदद करे तो मेहरबानी होती। मेरे को 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं और मेरे 3 बच्चों की कोई भी स्कूल की पढ़ाई की जिम्मेदारी लिए तो मेहरबानी होती आप लोगों की। मेरे 3 बच्चे छोटे, बड़ी बच्ची 6th क्लास में है, दूसरा बच्चा 2nd क्लास में है, और 2 छोटे बच्चों को पढ़ाना, मेरे को हिफ्स कराने की ख्वाहिश है बच्चों की। ज़रा आप लोगों कोई भी हजरत मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेके। आपके शौहर क्या काम करते हैं? लाइट का काम करते हमारे शौहर। लॉकडाउन में उनको शुगर आ गई सो है, तो ज़रा कारोबार उतना सही नहीं चल रहा। हम लोग खर्दे लेके किराया कंटिन्यू दिए, मकानदार ऑन्ट ले रहे थे तो किराया कंटिन्यू रखे, लाइट की बिल कंटिन्यू रखे, खर्दे में बहुत कुप्पा हो गए हम लोग। कितना किराया बाकी है? किराया तो पूरा क्लियर है, ज़रा बहनों के चीज़ें लेके डाली मई। और क्या बोलते सो ज़रा डूबने पे आ गए 3 बहनों के और एक हमारे ससुराल में से हमारे रिश्तेदारों के पास लेके डाली सो हूँ, डूबने पे आ गए। तो ज़रा मेहरबानी करके आप हजरात मेरी मदद करें तो मेहरबानी होगी। आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं बच्चों को ज़रा पढ़ाना चाह रही हूँ। आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान मेहदीपट्टनम पे है। अच्छा, अब जो किराए के घर में है, क्या किराया है उसका? उसका किराया 4,500 रुपये किराया है, लाइट की बिल बनना है अलग से। 2nd फ्लोर पर रहते हम लोग, पानी नीचे से लाने का है, बहुत तकलीफ़ हो रही मेरे को। मेरे बच्चे ला रहे पानी, मेरे को वज़न उठा के ले गए तो फसली में दर्द हो रहा। बात सोचते सोचते बार बार दुखत तो रातों में सांस रुक जा रही मेरी। आपके भाई वगैरह कोई नहीं है? हम लोग 7 बहना हैं, 2 भाइयाँ हैं, भाइयाँ छोटे हैं, उन लोगों का भी घर किराए का है। उन लोगों भी ये लॉकडाउन की वजह से सब जने बहुत परेशान हैं। आपके शोहर का काम नहीं चल रहा? जी नहीं, लाइट का हाउस वायरिंग का करते, कभी चलता कभी नहीं चलता। ज़रा तबीयत सही नहीं रहती उनकी, शुगर है उनको। मेरा फ़ोन नंबर है 9393468008, 9393468008, और गूगल नंबर है 2580। गूगल नंबर 2580, और ये अकाउंट नंबर है 3466993323 3466993223। कौन सा बैंक है? SBI। बोलो। SBI बैंक है मेरा। अकाउंट नंबर है 3466993923। और मैं घर के लिए दारुसलाम में गई थी मैं, ये डबल बेडरूम का हम डाल के 3-4 साल हो गया, तो वहाँ पर गए तो वो लोग हाँ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को। हम लोग कब तक किराया बनना, बचपन से किराया बन लेते आ रहे, अभी तक का कुछ भी नहीं हुआ। हम और तो मंजलिस वालों को देते, मायम पार्टी को देते हमेशा, और वहाँ पे गए तो लोग कुछ भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे। ज़रा अकबर साहब से, असद साहब से, KCR साहब से गुजारिश है कि हमको ये घर की कोशिश करके दिलाइए आप। मैं बहुत परेशान हूँ, ज़रा आप लोग मिलके मेरे को ये घर का भी कराए तो। डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करे आप? जी हाँ, डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करी मैं, 3-4 साल हो गया। ज़रा कोशिश करके दिलाओ आप, नहीं मेहरबानी होती आप लोगों की। मेरे पास स्लिप है,
एक जने कर रहे थे कोशिश, उन्होंने 15,000 रुपये लेके भाग गए। हमारे भाई ना हमला दिए थे उनको करते। क्या नाम है उनका? उनका नाम कलीम है, यहाँ पे बंजारा हिल ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने ड्राइवर है। उन्होंने हम लोगों को बोले थे कि आप लोगों को दिलाता हूँ, वो बोल के 15,000 रुपये हमला चीज़ा रख के तक भी दिए उनको, तो उन्होंने हम लोगों की हेल्प नहीं करे कुछ भी, पैसे लेके भाग गए। 2-3 साल से फ़ोन है ना आता है ना पता है उनका। अब फिर हमला बाद में अप्लाई करे ये, तो ये पेपर हुए है मेरे पास, ऑनलाइन पे भी बता रहा मेरा मेरी वालदा का। फिर एक बार असद साहब कहीं जाइए आप, एक बार जाके उनको डायरेक्ट मिलके बोलिए, फ़ोन नहीं डायरेक्ट मिलके बोलिए उनको। तो आप गुजारिश करिए, मेरे से ये गुजारिश है कि हम लोगों को मेरी माँ को डबल बेडरूम की कोशिश करके अकबर साहब असद साहब दिलाए तो मेहरबानी होती हम लोगों को। किराए बनने का मौकफ़ नहीं है हम लोगों को, हमला खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, बच्चों को दूध पिलाने तक भी सोचना पड़ रहा हम लोगों को हर चीज़ से। बच्चे मासूम बच्चों को दवाखाने को नहीं लेके जा सक रहे हम लोग, बाज़ोफत पैसे नहीं रहे करे तो मासूम बच्चे दूधों को तरस रहे। आप लोग मेहरबानी करके हम आपको घर का करिए। अकबर अवैसी साहब आपसे गुजारिश है, आप इतने जनों की हेल्प करते, मेरे भी हेल्प करिए। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H News, सिर्फ आपकी आवाज़।